हेलो नमस्ते दोस्तों, कन्नूहल्ली किचन में आपका फिर से स्वागत हो भी नई रेसिपी के साथ। तो आज बनाएंगे गेहूं के आटे के बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन, जो बिन सोडा, बिन मिल्क पाउडर और बिन मावा के बनेंगे, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम रस गुलाब जामुन बने हैं। तो ये ले लिया मैंने गेहूँ का आटा। तो हम डेली रोटी बनाते हैं जो गेहूँ का आटा है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया एक पैन, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी की। गैस मैंने ऑन कर दी है, तो ये कटोरी भर के मैंने गेहूं के आटे की इसमें डाल दिए और इसको हल्का ही भून देंगे, ताकि इसका कच्चापन, जो आटे का कच्चापन होता है, जो इसमें ना रहे। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करके हल्के हल्के हाथ से इसको सेकेंगे। तो देख सकते हैं आटा हमारा सिक चुका है, इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे इस तरीके से सेकने में। तो मैंने ले लिया एक बड़ा बर्तन, इसमें निकाल देंगे जो सिका हुआ आटा है उसको। इसको थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो आटा ठंडा हो गया है। ये मैंने ली है मलाई, जो दूध के ऊपर होती है मलाई, उसको अच्छे से मिक्स करके आटे में डाल देंगे। ये मलाई से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनेंगे। आप इस तरीके से बनाओगे तो बिन झंझट के और बिन मेहनत के और बिन खर्चे के बहुत ही स्वादिष्ट, घर पे जैसे घर के सामान से ही बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। तो ये मैंने लिया है थोड़ा सा दूध, ये दूध कच्चा नहीं है, थोड़ा सा गुनगुना दूध है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से आटे में इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा दूध और डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से इसको गूंथेंगे नहीं, बिल्कुल हल्का सा जैसे दूध डाल के इसको रख देंगे। तो देख सकते हैं इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जब तक चाशनी बनाएंगे। तो जो मैंने गेहूं वाले आटे की कटोरी ली थी, वही मैंने 2 चीनी की भर के डाली है शक्कर की, और इसमें 2 कटोरी पानी की डालेंगे। गैस मैंने ऑन कर दी है, और इसको जब तक चीनी मेल्ट नहीं होगी तब तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसमें डाल देंगे केसर के धागे, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और ये मैंने इलायची डाल दी है 2 कुटी हुई, देख सकते हैं चाशनी का कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको थोड़ी चिपचिपी बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए। तो चाशनी तैयार हो गई, इसको रख देंगे। और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा लग के तैयार हो गया गुलाब जामुन के लिए। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि गुलाब जामुन बनने के लिए आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मैंने बना लिया बॉल्स, गुलाब जामुन की बॉल्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे छोटी बड़ी लोई ले सकते हैं। देख सकते हैं मैंने एक कटोरी में 25 गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। तो ये मैंने चढ़ा दी कढ़ाई गैस के ऊपर। हाँ, प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, और वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने चढ़ा दिया रिफाइंड ऑयल, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने पहले एक बॉल से डाली है, ताकि अच्छे से पता लगे कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, और हमारे गुलाब जामुन फटते नहीं रहे हैं। तो देख सकते हैं गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटे, अच्छे से सिक रहे हैं। तो इसमें सारी बॉल्स डाल देंगे, मैंने आधी बॉल्स डाली हैं, आधी को बाद में सेकेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सिकने देंगे इनको, फिर चम्मच की सहायता से इसको घुमाएंगे चारों तरफ से, ताकि अच्छे से गुलाब जामुन सिक जाएं। इस तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे।
तो आप इस तरीके से आसानी से घर पे जो गुलाब जामुन बना सकते हैं, वो भी बिना झंझट के। तो इसको चारों तरफ से घुमा के अच्छे से सेकेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है गुलाब जामुन में। तो ये चाशनी में डाल देंगे। चाशनी गर्म है, अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो उसको हल्की सी गर्म कर सकते हैं आप। तो इसको अच्छे से चारों तरफ घुमाएंगे ताकि इसमें चाशनी अच्छी से चली जाए। जो बाकी की बॉल्स बची हैं उनको भी सेक लेंगे इस तरीके से। तो इस दीपावली पे आप इस तरीके से घर पे अच्छे से गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं, या कोई त्यौहार हो या मेहमान घर पे आए हों या मीठे खाने का मन हो, तो इस तरीके से आप घर पे आसानी से बिन झंझट से बना सकते हैं गुलाब जामुन। तो देख सकते हैं ये पूरी बॉल्स को इस तरीके से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम कम रखेंगे ताकि गुलाब जामुन अंदर से भी अच्छे से सिक जाए, कच्चे ना रहें। अगर गैस की फ्लेम ज़्यादा रहेगी तो ये बाहर से सिकेंगे और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके से सारे गुलाब जामुनों को सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और कितने अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं गुलाब जामुन। इनको भी इसमें डाल देंगे चाशनी में। तो इस तरीके सारे गुलाब जामुनों को सेक लेंगे। और ये मैंने 2 घंटे के लिए रख दिए ताकि इनमें अच्छे से चाशनी चली जाए। देख सकते हैं गुलाब जामुनों में अच्छे से चाशनी जा चुकी है और कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। आपको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं कितने अच्छे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।